गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज 6 PM ऑफ 4th May एंड आई एम रेडी विद द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन सेशन नंबर 7। सेशन 7, दिस इज संतोष श्रीवास्तव एंड लेट्स बिगिन द एक्सरसाइज बाय विच वी कैन इम्प्रूव अवर वोकैब, अवर कॉमन एरर्स, अवर फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस अरेंजमेंट, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड सिनोनिम्स। ओके, let's begin and see what is before us. This is the Hindu editorial. You can see the Hindu editorial session 7 exercise. Sentence arrangement is the first part of the exercise and ye dekhte hain ki inhe hum kaise PQRS ko sahi kram mein, sahi order mein rakhte hain. Dekhen bachcho और मुझे बताएं कि क्या आंसर होगा इसका। बोले ये शुरू में ही मैंने स्टार्टिंग में ही रख दिया ताकि आप इसे अच्छे से समय लेकर कर सकें। आप देख लें अच्छे से और बताएं कमेंट्स के द्वारा क्या सही ऑप्शन होगा आपका। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। दे शुड वनली, ये फर्स्ट पोर्शन तो रहेगा ही आपका। Directed by a physician, be used as to treat a bacterial infection. कौन सा ऑप्शन बेस्ट है बच्चों, कोशिश करें। सेंटेंस अरेंजमेंट तो आपको हर एक एग्जाम में आपको मिलना है जिसमें आपको इंग्लिश है। क्लूज के द्वारा या जिस तरीके से भी हो देखें कौन सा पोर्शन सबसे पहले आएगा, फिर कौन सा पोर्शन आएगा, तो आप आराम से इन्हें मेंटेन कर सकते हैं बच्चों। बोले समझ रहे हैं कुछ। आप देखिए ये पोर्शन तो आपका मस्ट ही है। दे शुड वनली डायरेक्टेड, पीस तो कभी नहीं आएगा। तो ये मैटर आपका फिनिश और ये मैटर आपका, ये फायदा है बच्चों। देखिए क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ने का फायदा लें, शुड के बाद किसी भी कीमत पे डायरेक्टेड नहीं आ सकता है, क्योंकि शुड के बाद केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मूल रूप आएगा उसका, ठीक है, वी वन। तो पी खत्म, तो पी खत्म होने से आपका फायदा हुआ कि ये भी और ये भी दोनों फिनिश हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। दे शुड वनली बी यूज्ड, पैसिव वैश में याद करें, शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन देख लें कहीं और फर्स्ट फॉर्म तो नहीं है। दे शुड वनली टू ट्रीट, कभी नहीं आएगा, तो ये मैटर भी फिनिश, यानी अगर आर से कोई है तो फिर हर हाल में ये भी आपका फिनिश हो गया बच्चों। बिना कुछ किए आपका आंसर हो गया, देख लें मैंने कोई जादू नहीं किया बच्चों। सिर्फ आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें तो आप आराम से मैच कर सकते हैं, इसने अरेंज कर सकते हैं। और ये मैंने आपके एडिटोरियल से ही बना के दिया है, कहीं अपने से नहीं बनाया। इसका मतलब है चीजें आसान है बट वी हैव टू वर्क हार्ड, हमें बस क्या करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा। चलिए आंसर हो जाएगा QPRS, कैसे होगा ये भी देख लें। दे शुड वनली बी यूज्ड, पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर है, बी यूज्ड एज डायरेक्टेड बाई अ फिजिशियन, है ना, एज डायरेक्टेड बाई ए फिजिशियन, जिस तरीके से एक फिजिशियन ने डायरेक्ट किया हो, निर्देशित किया हो, बताया हो। बाय ए फिजिशियन किस चीज के लिए बताया हो, टू ट्रीट, इलाज करने के लिए अ बैक्टीरियल इंफेक्शन। सही, आप इसे जाके एडिटोरियल में भी देख सकते हैं जो आपने एडिटोरियल किया होगा इसका। चलिए बच्चों तो कर लिया आपने, अच्छा लगा होगा इस तरह के एग्जाम्पल्स अगर आपके पास हो। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये आपके सामने है। The Health Ministry has said that, बच्चों क्लूज लें आप, उस क्लूज के थ्रू बहुत बढ़िया आप कर सकते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट। कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे जो करीब करीब सारे सही कर लेते हैं, तो ये फायदा है आपका ना कि आप बेहतर कर सकते हैं। देखिए बच्चों कौन सा ऑप्शन यहां पे होगा, विच इज द बेस्ट ऑप्शन। जो बच्चे नए नए जुड़े हों, अभी भी आए हों, वो सब्सक्राइब कर लें, और बाकी बच्चे कमेंट लाइक और शेयर करते रहें बच्चों,
ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और ईमानदारी से शेयर करें। अपने टीचर के प्रति जरूर अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, मीन्स परफॉर्म योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज सेड दैट, बच्चों दैट खुद में ही एक क्लू है। दैट यहां क्लू यह है कि इसके बाद जब भी आएगी कोई क्लास आएगी, और अगर कोई क्लास आएगी तो एक सब्जेक्ट से शुरू होगा। तो देखते हैं कहां पे सब्जेक्ट है, क्या ये सब्जेक्ट है? नहीं। क्या ये सब्जेक्ट है विदाउट नीडिंग स्पेशल ट्रीटमेंट इन इंडिया मोस्ट पीपल? नहीं। इन इंडिया मोस्ट पीपल हो सकता है, स्पेशल ट्रीटमेंट हो सकता है। तो पहले पी वाला जो पोर्शन है वो काट दें इसको, पी से है कहीं देखें, एक फिनिश। अब आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। तो द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज सेड दैट विदाउट नीडिंग से तो नहीं शुरू होना चाहिए, जनरली नहीं शुरू होना चाहिए। तो अभी क्यू भी हटा लेते हैं, ये हट गया। अब हमारे पास है आर। तो द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज सेड दैट इन इंडिया, हो गया एडवर्ब के रूप में, इन इंडिया मोस्ट पीपल, बच्चों हो सकता है सब्जेक्ट आपका, इन इंडिया मोस्ट पीपल, और मोस्ट पीपल अगर यहां सब्जेक्ट है तो हर हाल में आपको वर्ब चाहिए, क्योंकि मोस्ट पीपल विदाउट नीडिंग तो आएगा नहीं, मोस्ट पीपल स्पेशल ट्रीटमेंट तो आएगा नहीं, मोस्ट पीपल रिकवर यानी वर्ब आएगी आपकी। तो इन इंडिया मोस्ट पीपल रिकवर यानी जब भी आएगा आर के बाद पी आएगा, ठीक है। आर के बाद अगर पी आएगा तो फिर आपके पास देखिए आर के बाद पी यहां भी है और आर के बाद पी यहां भी है। ऐसा आपको एग्जाम में दिया जाता है आपको टेस्ट करने के लिए, थोड़ा सा उलझाने के लिए। अब दोनों हमारे पास, अब अगर आप क्लू लेना चाहते हैं बच्चे ना, तो आपको बस ये देखना होगा कि आर पी के बाद एस लगाना है या क्यू लगाना है, बस यही आपका आंसर होगा। तो द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज सेड दैट इन इंडिया मोस्ट पीपल रिकवर फ्रॉम द डिजीज। अब आपको यह देखना है कि पहले क्यू आएगा या एस। मोस्ट पीपल रिकवर फ्रॉम द डिजीज स्पेशल ट्रीटमेंट विदाउट नीडिंग, नहीं विदाउट नीडिंग स्पेशल ट्रीटमेंट, यही ना, यानी पहले क्यू आएगा और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, एस, यानी हमारा ऑप्शन जो अल्टरनेटिव है वो क्या सही होगा, ये सही होगा। ठीक है, सोचिएगा, देखिएगा, इसे फिर से करिएगा और देखेंगे आप कहीं कहीं अपने आप को बेहतर पाएंगे आप। चलिए, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सेंटेंस अरेंजमेंट पर, लास्ट क्वेश्चन। बोले बच्चों कोशिश करें, देखें आपको कहीं कहीं आ रहा होगा कि हाँ वी कैन हो, वी कैन हो, वी कैन मीन्स हम कर सकते हैं, एंड वी विल और हम करके दिखाएंगे। बोले बच्चों कौन सा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है? आल्सो हेल्थ केयर प्रोफेशनल आर, बच्चों यहां एस छूट जाएगा, यहां पे आप एस जोड़ लीजिएगा। ये है आपका, बोले बच्चों कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? आल्सो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर फार डिस्पोजिंग ऑफ, पी तो कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, यानी अगर पी से कोई है तो खत्म है भी नहीं संयोग से, कोई प्रॉब्लम नहीं। Also, हेल्थ केयर professionals आर टू ऑलवेज फॉलो, हो सकता है जब आप किसी को नोटिस देते हैं, मैं सूचना देते हैं कोई या आदेश देते हैं तो आप वहां बी टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन और देखते हैं। Also, हेल्थ केयर professionals आर इन इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड, अब इसके बाद यही होना चाहिए, एंड कंट्रोल गाइडलाइंस। क्या हेल्थ केयर professionals इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल गाइडलाइंस में है, ये सेंस कह रहे हैं? तो मुझे लगता है दोनों नहीं आएगा ना, आर और एस। तो जब भी आएगा सबसे पहले क्या आएगा, क्यू आएगा, है ना, वर्ब के रूप में। आल्सो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर टू ऑलवेज फॉलो, उन्हें हमेशा फॉलो करना होगा
द लेट डाउन प्रोटोकॉल, यानी जो लेट डाउन स्थापित प्रोटोकॉल होता है, यानी रूटीन होता है उनका, उसे फॉलो करना होगा। यानी क्यू पहले आएगा बच्चों। अब हमारे पास क्यू दो है, ये भी है और ये भी है, लेकिन फायदा क्या है, ये फिनिश और ये फिनिश एलिमिनेट कर दिया आपने। दो में एक में क्यू के बाद पी है और एक में क्यू के बाद आर है, मिला लिया। तो ऑल्सो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर टू ऑलवेज फॉलो द लेट डाउन प्रोटोकॉल, पहले पी करके देखते हैं, द लेट डाउन प्रोटोकॉल फॉर डिस्पोजिंग ऑफ पीपीज एज डिटेल्ड इन। ये भी क्लू है बच्चों, पी के बाद जब भी आएगा आर आएगा, क्यों, क्योंकि डिटेल्ड इन यहां पे है ना। अब आप देख लें पी के बाद आर कहां है, इन दोनों में पी के बाद आर बच्चों यहां है, देखें क्यू तो क्लियर था आपका, इसके बाद पी आपको देखना था और पी के बाद जब भी आएगा आर आएगा, क्योंकि फॉर डिस्पोजिंग ऑफ पीपीज एज डिटेल्ड के बाद टू तो आएगा नहीं, एज डिटेल्ड कंट्रोल्ड गाइडलाइंस एंड इन इन्फेक्शन तो आएगा नहीं, तो आपका हो जाएगा पी के बाद आर, यानी आपका ऑप्शन होगा क्यू पी आर एस। आप इसे फिर से देख लें बच्चों, अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, आप बिल्कुल कमेंट में बताएं जहां पे आप न समझ पा रहे हो। ये क्लियर है आपके बच्चों कि जो आपका पहला पोर्शन होगा वो क्या होगा, क्यू से शुरू होगा। बी टू जब भी होता है इसमें आदेश देना, सूचना देना, ये सब आपका सेंस होता है। तो ऑल्सो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर टू ऑलवेज फॉलो द लेट डाउन प्रोटोकॉल, उन्हें लेट डाउन प्रोटोकॉल स्थापित प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा, किस चीज के लिए, फॉर डिस्पोजिंग, यानी जब भी आएगा सोच के देखें क्यू के बाद पी आएगा, तो क्यू के बाद पी तो केवल एक में ही है ना बच्चों, सी हो जाएगा, ठीक है। और पी के बाद आर भी क्लियर है, ये भी सही आपका पी आर, और ये भी सही देखे है, आर के बाद जब भी आएगा एस आएगा, क्योंकि इन इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल गाइडलाइंस, आर के बाद एस, ये भी क्लू है आपका। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, और ये सेक्शन हमारा है कॉमन एरर्स का, बच्चों देख लें। अ सीनियर ऑफिसर सेड, एक सीनियर ऑफिसर ने कहा ऑन सैटरडे को दैट की इंडिया वाज फॉलोइंग द यूनाइटेड स्टेट्स डिसीजन, यूनाइटेड स्टेट्स के डिसीजन को भारत फॉलो कर रहा है, टू परमिट, किस चीज के लिए, अनुमति देने के लिए द इमरजेंसी यूज ऑफ इबोला ड्रग, कि इबोला ड्रग को अति आवश्यक रूप में प्रयोग किया जा सके। बच्चों अगर आपको इस यूनाइटेड स्टेट्स पर एपोस्ट्रॉफी पे डाउट होगा तो गलत होंगे आप, क्योंकि स्टेट्स यहां प्लूरल है, तो प्लूरल पे आप जानते होंगे केवल एपोस्ट्रॉफी देते हैं। बोले बच्चों क्या गलत है, कमेंट इसमें बताएं क्या गलत है बच्चों। आप सोच के देखेंगे बच्चों, ये मेरा सातवां सेशन है एक्सरसाइज का और ये रेगुलर चलता रहेगा, विश्वास करिए चलता रहेगा, अगर मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई आपदा कोई विपत्ति नहीं आती है तो चलता रहेगा। बस आपको ये ध्यान में रखना होगा बच्चों, हम लोग अभी इतने सुविधा संपन्न नहीं है कि सारी चीजें हमें अवेलेबल हैं, तो कभी कभी नेट वगैरह की बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी देर हो जाती है, तो ये अगर कभी दिक्कत आए तो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि ये चीजें मेरे वश में अभी नहीं है, बस समय आएगा जहां पे इन चीजों पे नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक है। चलिए बच्चों अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे ना तो आपको एक चीज समझ में आएगा, सिक्वेंस ऑफ टेंसेस का रो। सिक्वेंस ऑफ टेंसेस कहता है कि अगर पहली क्लास जो आपकी है अगर वो पास्ट है तो दूसरी क्लास भी आपकी पास्ट होगी, लेकिन कब, जब कोई नॉर्मल सिचुएशन हो। ये तो यहां है ना कि भारत जो है वो फॉलो करेगा, यानी कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स को, यानी अभी भी कर रहा है और आगे भी कर रहा होगा, इसलिए यहां पे आपको ये टेंस बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भारत उसके मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के डिसीजन को जो परमिट करने का है उसे फॉलो कर नहीं रहा था, कर रहा है अभी भी कर रहा है, तो डोंट नीड टू चेंज द टेंस। यहां क्या हो जाएगा बच्चों, इज होगा यहां पे, न कि आपको कोई वाज लेने की आवश्यकता यहां पे है, इज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप बताएं हमें, इट हैज कॉशन्ड अगेंस्ट, कॉशन अगेंस्ट मीन्स चेतावनी देना, सजग करना, सावधान करना। इट हैज कॉशन्ड अगेंस्ट द अब्यूज, अब्यूज मीन्स गाली होता है बच्चों,
बट अब्यूज मीन्स दुरुपयोग भी होता है, ध्यान रखिएगा, अब्यूज मीन्स दुरुपयोग भी होता है, कुरीतियां भी अब्यूज मीन्स होती हैं। तो इट हैज कॉशन्ड अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी एंटीबायोटिक्स के दुरुपयोग के लिए इसने सतर्क किया, सावधान किया है, टू ट्रीट द कोरोना वायरस इन्फेक्शन, जिससे आप कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को ट्रीट कर रहे हैं, स्टेटिंग कहते हुए इट दैट की इट डज नॉट वर्क, कि यह कार्य नहीं करते हैं। क्या गलत है बच्चों, सोच के देखें बच्चों, आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, हर हाल में एक दिन बेहतर होंगे आप। आ रहा है समझ बच्चों, इट हैज कॉशन, इट के साथ हैज लगा है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कॉशन के साथ अगेंस्ट है, द अब्यूज भी सही है, द अब्यूज ऑफ होता है द अब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, किस लिए, चूंकि ऑब्जेक्ट दिखाया जा रहा है, टू ट्रीट द कोरोना वायरस इन्फेक्शन, ये भी सही है। फिर गलत कहां है, यहां स्टेटिंग दैट, स्टेटिंग तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, सही है, कहते हुए, क्या कहते हुए, दैट की इट डज नॉट वर्क, ये इट किसके लिए है बच्चों, ये इट लगा है एंटीबायोटिक्स के लिए, अगर ये एंटीबायोटिक्स के लिए लगा है तो एंटीबायोटिक्स सिंगुलर है या प्लूरल, अगर ये सिंगुलर होता तो इट सही होता, नहीं एंटीबायोटिक्स तो प्लूरल है ना, अगर एंटीबायोटिक्स प्लूरल है तो इट नहीं होगा बच्चों, क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, और अगर यहां पे दे होगा तो ये जो डज आपने लिया ये क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, डू, ठीक है, तो जाएगा इट हैज कॉशन्ड अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट द कोरोना वायरस इन्फेक्शन स्टेटिंग दैट दे डू नॉट वर्क, जहां पे इट डज नॉट है वहां पे दे डू नॉट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे अच्छे से पढ़ें समझें तो धीरे धीरे समझ में आएगा। और एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, कोई भी बड़ा कार्य एक दिन में नहीं होता है बच्चों, समय लगेगा, धीरे धीरे सीखने की कोशिश करें, देयर विल सर्टेनली बी वन डे, एक दिन ऐसा होगा व्हेन यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, आप हर समस्या को, हर प्रश्न को हल कर लेंगे आप। चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये हमारा तीसरा प्रश्न है, दे शुड ओनली बी यूज्ड, उनका प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए एज डायरेक्टेड बाय ए फिजिशियन, जब एक फिजिशियन द्वारा डायरेक्टेड हो, ट्रीटिंग अ बैक्टीरियल इंफेक्शन, क्या गलत है, दे शुड ओनली बी यूज एज डायरेक्टेड बाई अ फिजिशियन, फिजिशियन यहां काउंटेबल है तो काउंटेबल के पहले तो ए लगाई है, सही है, और यहां शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज, सही है, एज डायरेक्टेड बाई ये भी सही है, कहां गलत है बच्चों, और ये दे भी सही, दे गलत नहीं बच्चों, दे ये एंटीबायोटिक्स के लिए यूज किया गया है। जब आप कोई मकसद दिखाएं बच्चों, पहले आप एक चीज समझ लें, अगर आप एक ट्रीटिंग ले रहे हैं ना तो ट्रीटिंग फिजिशियन के लिए हो जाएगा, तो इसके हिंदी देखे क्या हो जाएगा, दे शुड ओनली बी यूज्ड, उनका प्रयोग केवल किया जाना चाहिए एज डायरेक्टेड बाय अ फिजिशियन, जैसा एक फिजिशियन डायरेक्ट किया हो। अब इस फिजिशियन के बगल में प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो वो फिजिशियन ट्रीटिंग अ बैक्टीरियल इंफेक्शन, जो बैक्टीरियल इंफेक्शन को ट्रीट कर रहा हो, इसके बारे में बताया जा रहा है, या आपको यह बताया जा रहा है कि दे शुड ओनली बी यूज्ड, उनका प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए एज डायरेक्टेड बाय ए फिजिशियन, मतलब जिस तरीके से एक फिजिशियन डायरेक्ट किया हो, किस चीज के लिए, किस चीज के लिए बच्चों, जहां पे मकसद ऑब्जेक्टिव दिखाया जाए आपको, वहां पे आपको हमेशा इन्फिनिटिव लेना होता है, न कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो अगर इन्फिनिटिव लेना है ना तो यहां ट्रीटिंग नहीं होगा बच्चों, यहां क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव टू ट्रीट हो जाएगा, दे शुड ओनली बी यूज्ड एज डायरेक्टेड बाय अ फिजिशियन टू ट्रीट अ बैक्टीरियल इंफेक्शन, बैक्टीरियल इंफेक्शन को ट्रीट करने के लिए उनका प्रयोग किया जाना चाहिए, नानी ने आया ना, इसलिए यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, ट्रीटिंग के स्थान पर क्या हो जाएगा, टू ट्रीट ले लें। चलिए कॉमन एरर का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका है, फोर्थ क्वेश्चन, बोले प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, यानी जो निर्धारित
मानक है सावधानियों के आर, ये आर किसके लिए है, प्रिकॉशंस के लिए, राइट करेक्ट, आर टू फॉलो, सही है, टू के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आर टू फॉलो एट ऑल टाइम्स, सही है, हर समय, बाई हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के द्वारा, क्या गलत है बच्चों, देख लें, साथ गलती ना भी हो जरूरी नहीं है, बोलिए बच्चों क्या गलत है यहां पे, सोच के देखिएगा बच्चों अच्छे से, क्या गलत हो सकता है यहां पे बच्चों, अगर आप ये आर टू फॉलो लेंगे ना, तो मीन्स आर टू फॉलो, फॉलो करना है, यानी प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस को फॉलो करना है, यानी प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे, सर ये फॉलो करेंगे नहीं, इन प्रिकॉशंस को फॉलो किया जाना है, अगर ये फॉलो किया जाना है, कार्य कर नहीं रहे बच्चों, इन्हें किया जाना है, अगर किया जाना है तो ये पैसिव वॉइस में होंगे, अगर पैसिव वॉइस में होंगे तो आर टू फॉलो नहीं होगा बच्चों, आप सोच के देखें, आपको पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर करना है तो जाएगा आर टू बी, और जब आर टू बी लेंगे तो आपको थर्ड फॉर्म लेनी होगी, अब देखिए पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया आर टू बी फॉलोड, फॉलो किया जाना है, फॉलो किया जाना है किसको, प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, क्योंकि प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करेंगे बच्चों, नहीं प्रिकॉशन कोई सब्जेक्ट नहीं यहां पे है जो फॉलो करेगा, उन प्रिकॉशंस को फॉलो किया जाना है, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में बी टू प्लस क्या हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी टू है आपका आर टू बी फॉलोड, सही हो जाएगा, चलिए अगर दिक्कत होगी बोलिएगा बच्चों कमेंट्स में, बिल्कुल आपको बताने की कोशिश करूंगा, जवाब देने की कोशिश करूंगा, और ये लास्ट क्वेश्चन आपका एक कॉमन एरर का, फिफ्थ क्वेश्चन आपका, इट एडेड दैट, यानी इसने ये भी जोड़ा कि पेशेंट्स एंड देयर अटेंडेंस, सही है बच्चों, देयर यहां पे सही है पेशेंट्स के लिए, अगर आपको देना होता एयर तो यहां देयर के बजाय हिज लिख दिया जाता, तो इट एडेड दैट पेशेंट्स एंड देयर अटेंडेंस आर एनकरेजिंग टू पुट ऑन फेस कवर एट ऑल टाइम, बच्चों अपने से करके दिखाएं आप क्या सही होगा, यहां कोशिश करें हिंदी समझने की, कहां पे एक्टिव वॉइस होना चाहिए, पैसिव वॉइस होना चाहिए, वो कार्य कर रहे हैं या उन्हें कार्य किया जाना है, जो भी आप देखें बताएं मुझे, समय लें बच्चों, क्या गलत है इस वाक्य में, बोले बच्चों, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं बच्चों, और कमेंट्स करना सीखे बच्चों, मैं देख रहा हूं आप कमेंट्स नहीं करते हैं, अपनी जो आपकी थिंकिंग होती है उसे यहां शो नहीं करते हैं, करना सीखे बच्चे बच्चों, वैसे भी एक्सप्रेशन जो होते हैं वो हमेशा आदमी को यूज करना चाहिए, आ रहा है समझ बच्चों, देखें इट एडेड, यानी इसने ये भी कहा, यह भी जोड़ा दैट की पेशेंट्स एंड देयर अटेंडेंस, कि जो पेशेंट्स और देयर अटेंडेंस है आर एनकरेजिंग, कौन सी वॉइस है बच्चों, एक्टिव वॉइस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका मतलब वो जो पेशेंट्स और अटेंडेंस है वो एनकरेज कर रहे हैं, यानी वो प्रोत्साहित कर रहे हैं टू पुट ऑन फेस कवर लगाने के लिए एट ऑल, हमेशा हर समय, वो पेशेंट्स और अटेंडेंस एनकरेज कर रहे हैं या पेशेंट्स और अटेंडेंस को एनकरेज किया जाना चाहिए कि वो हमेशा मुंह ढके रहें, कौन पेशेंट्स और उनके अटेंडेंस, उन्हें ये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ना, उन्हें ये समझाया जाना चाहिए ना, तो अगर उन्हें समझाया जाना चाहिए दिस इज इन पैसिव वॉइस, तो क्या स्ट्रक्चर ये पैसिव वॉइस का है बच्चों, आर एनकरेजिंग, नहीं, यहां आपको क्या लेना चाहिए पैसिव वॉइस में, क्या होना चाहिए आर है यहां पर आर टू बी, और ये क्या होनी चाहिए एनकरेज्ड, आर टू बी एनकरेज्ड
टू पुट ऑन फेसबुक। अगर आपको लगता है सर आर टू बी एनकरेज तो सर और लग रहा है ना, वापस ऑप्शन तो है ना बच्चों, यहाँ क्या ले लें आप, शुड ले लें, शुड ले लेंगे तो टूवर्ड जाएगा। आप देख लें इट एडेड दैट पेशेंट्स एंड देयर अटेंडेंस शुड बी एनकरेज, यानी उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए टू पुट ऑन, पुट ऑन मीन्स पहनना होता है, टू पुट ऑन फेस कवर एट ऑल टाइम्स। सही बच्चों, कोई एरर नहीं। अब यहां पे आपको यानी बी पोर्शन जो आपका है वो हो जाएगा शुड बी एनकरेज हो जाएगा, न कि आर एनकरेजिंग होगा। ठीक है बच्चों, चलिए देख लीजिएगा सारे कॉमन एरर्स। सारे कॉमन एरर्स में कहीं भी आपको कोई डाउट होगा बिल्कुल आप अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए कमेंट्स करिएगा, पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास तीन है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू ऑलवेज फॉलो द क्या, यहां बच्चों एक शब्द आप जोड़ सकते हैं अगर चाहें तो, हैव टू या आर टू ले लें, सही है आर टू ऑलवेज फॉलो द क्या सही होगा बच्चों, लाई डाउन प्रोटोकॉल, ले डाउन प्रोटोकॉल, लेन डाउन प्रोटोकॉल या लेड डाउन प्रोटोकॉल, क्या स्थापित परंपराएं, जो स्थापित परंपराएं हैं मीन्स रूटीन है उसे फॉलो करना है। ठीक है, तो क्या होगा स्थापित की मीनिंग क्या होगी, लाई डाउन नीचे लेट जाना, ले डाउन नीचे बिछा देना, लेन डाउन नीचे बिछाया हुआ या लेड डाउन स्थापित, क्योंकि ले डाउन मीन्स ही स्थापित करना होता है। आपको एडजेक्टिव नाउन है ना, आपको इसके पहले एडजेक्टिव चाहिए, तो अगर आपको एडजेक्टिव चाहिए तो एक ही तो है ना, थर्ड फॉर्म में देखें पास्ट पार्टिसिपल के रूप में, तो क्या हो जाएगा आपका ये लेड डाउन हो जाएगा। लेन डाउन इसलिए नहीं होगा क्योंकि लाई लेटने का ये थर्ड फॉर्म है, न कि ले डाउन का थर्ड फॉर्म आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द मेन वे द डिजीज स्प्रेड्स, यानी जिस तरीके से वो रोग फैलता है इज सही है, इज थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, वो कैसे फैलता है रेस्पिरेटरी, सांस से जब हम सांस लेते हैं या फिर खांसते हैं जो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलती हैं उनके द्वारा। ठीक है, बाई समवन हु इज कफिंग, तो क्या यहां ऑप्शन होगा, इज थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स डिसमिस्ड बाई समवन होगा, या बैनिश्ड बाई समवन होगा, या टर्मिनेटेड बाई समवन होगा, या एक्सपेल्ड बाई समवन होगा। अंतर समझ रहे होंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, याद आ गया आपको, यहां हो जाएगा एक्सपेल्ड बाई समवन। ये जो बैनिश है ना, जब आप किसी को निर्वासित जीवन जीने के लिए भेज देते हैं तो आप उसे बैनिश करते हैं। डिसमिश क्या होता है, किसी चीज को रद्द कर देना, समाप्त कर देना, बर्खास्त करने के सेंस में भी होता है। टर्मिनेट भी वही होता है, बर्खास्त कर देना, लेकिन एक्सपेल क्या होता है, बाहर निकालना। तो आप रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो एक्सपेल्ड हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का आपका, क्या होगा बच्चों देख लें। सम पीपल बिकम इन्फेक्टेड, कुछ लोग संक्रमित हो जाते हैं, बट लेकिन डोंट डेवलप एनी डैश एंड डोंट फील अनवेल, तो डोंट डेवलप एनी सिंड्रोम, डोंट डेवलप एनी मार्क्स, डोंट डेवलप एनी डायग्नोसिस या डोंट डेवलप एनी सिम्टम्स, उनके अंदर कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। तो लक्षणों के सेंस में क्या यूज किया जाता है बच्चों, याद करें सिम्टम, ये जाएगा सिम्टम्स। अगर मैंने फिर सिंड्रोम क्या है, सिंड्रोम उन लक्षणों का पूरा एक कलेक्शन होता है बच्चों, इसीलिए यहां पे सिंड्रोम नहीं होगा आपका। मार्क समझते होंगे, कोई कटे फिटे का निशान जो होता है वो मार्क होता है। डायग्नोसिस क्या होता है, जब आप किसी रोग का पता लगाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं वो डायग्नोस करना होता है, उसे डायग्नोसिस नाउन बनाया गया। ठीक है, चलिए बच्चों, और ये मेरा बहुत बढ़िया सेक्शन एक है फ्रेजल वर्ब्स का और इडियम्स का, बोलिए ये आपको पहले मिलाना है बच्चों, कौन सी फ्रेजल वर्ब का कौन सा आंसर होगा, सामने कौन सा उसका मैचिंग है। जैसे एबाइड बाई मीन्स इनमें से कौन सा होगा, adhere to means इनमें से कौन सा होगा, बस यही आपको मैच करना है, इससे आपको याद होगा। और फिर इनकी मैंने examples भी आपको दिए, उससे और बेहतर कर सकते हैं आप इनका screenshots लेके तैयार कर लें या देखकर जैसे भी चाहें बट तैयार कर लें। आप देख रहे होंगे इस सब मैं जितने phrasal verbs में दे रहा हूं सब A से अभी तक मैंने दिया है, यानी सीरीज में मैं बिल्कुल करा दूंगा और विद
मीनिंग्स एंड विद एग्जाम्पल्स, और हिंदी तो मैं बताता ही हूं उसकी आपको। तो बच्चों अबाइड बाई तो बहुत बार एग्जाम में दिया गया और एडहियर टू भी बहुत बार एग्जाम में दिया गया दोनों। और अगर आपको आगे मिलेगा कंप्लाई विद होता है और होल्ड टू होता है, इस सारी आपकी फ्रेजल वर्ब्स काम आएंगे। अबाइड बाई याद है बच्चों, किसी रूल वगैरह को मानना जो होता है वो अबाइड बाई होता है। इंक्वायर अबाउट समवन्स वेलबींग नहीं होगा, टू ट्राई टू ऑब्टेन समथिंग नहीं होगा, ओबे है ना, ओबे द लॉ और डिसीजन और रूल। जब आप किसी कानून को, किसी निर्णय को या किसी नियम को मानते हैं, उसे फॉलो करते हैं, तो आप अबाइड बाई करते हैं। मीन्स किसी नियम किसी कानून को मानना, यानी अबाइड बाई का हो गया सी आंसर। एडहियर टू भी वही होता है बच्चों, एडहियर टू मीन्स भी किसी चीज को सपोर्ट करना, उसको फॉलो करना। तो देख लें यहां पे एडहियर टू का हो जाएगा सपोर्ट, है ना, सपोर्ट फॉलो या एक्ट इन अकॉर्डेंस विद, यानी उसके अनुसार कार्य करना, ये एडहियर टू होता है। वैसे एडियर मीन्स चिपका, एडहेरेंस समझते हैं ना, गोंद जिसको आप कहते हैं। अलाउ फॉर क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अलाउ फॉर क्या होता है, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप किसी पिकनिक पर जा रहे हैं, तो पिकनिक के सारे सामान आपने ले लिए हैं, लेकिन अचानक आपको याद आया कि जाते समय हमें बस का किराया भी देना होगा, तो वो किराया भी उस पिकनिक के खर्च में ही क्या होगा, शामिल होगा। तो अलाउ फॉर मींस होता है किसी चीज को शामिल कर लेना, उसमें वो चीज जोड़ लेना। तो देख लें क्या हो जाएगा, इंक्वायर अबाउट नहीं होगा, ट्राई टू ऑब्टेन नहीं होगा, ऑब्टेन मींस प्राप्त करना होता है, ओबे हो गया, सपोर्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा अलाउ फॉर का बच्चों, टेक इनटू कंसिडरेशन, यानी किसी चीज को संज्ञान में लेना या इंक्लूड इन अ कैलकुलेशन, या ध्यान रखकर उस चीज को भी उसमें क्या कर लेना, जोड़ लेना। दिस इज अलाउ फॉर। मैं सारे के एग्जांपल्स भी दिए, अभी आप समझिएगा। आस्क आफ्टर, अगर आपको याद हो, हाल चाल लेना। महमूद अक्सर अपने जो उसका पोता था, सॉरी मैं इसे दूसरी भाषा में समझा रहा हूं, महमूद अगर आपको याद हो द काइट फ्लाइंग में, जब वो बूढ़ा हो चुका होता है तो लोग अब आस्क आफ्टर नहीं करते हैं उसे, अर्थात उसका हाल चाल नहीं पूछते हैं। तो आस्क आफ्टर मीन्स हाल चाल लेना, इंक्वायर अबाउट समवन्स वेल बीइंग, यानी वो अच्छा है कि नहीं है, स्वास्थ्य उसका अच्छा है कि नहीं, ये आस्क आफ्टर होता है, जो हमेशा आपको अपने माता पिता के लिए करना चाहिए। और बचा एक ही आपका, तो एंगल फार क्या होते हैं, किसी चीज को हिंट करना, सजेस्ट करना। जैसे मान लीजिए बच्चों, अगर आपको याद हो, आप भोजन कर रहे होते हैं और आपको कोई चीज चाहिए, ठीक है, आपको कोई चीज, रोटी दाल चावल सब्जी कुछ चाहिए आपको, लेकिन आप कह नहीं पा रहे, तो आपके साथ जो लोग बैठे हुए हैं, तो आप क्या कहते हैं, याद करें कभी कभी, अरे भाई इनको रोटी वोटी दीजिए ना, कुछ दीजिए ना। एक्चुअली आप हिंट कर रहे होते हैं बच्चों कि आपको भी देगा, अरे कोई कहेगा ना, अरे आप में भी तो रोटी नहीं, आप भी ले लीजिए। तो यू आर एंगलिंग फॉर, आप हिंट दे रहे हैं बच्चों। तो एंगल फॉर मीन्स होता है, क्या हो जाएगा बच्चा हुआ, कौन सा बच्चा बच्चों आपका, ये ट्राई टू ऑब्टेन समथिंग, यानी किसी चीज को पाना बाय हिंटिंग और सजेस्टिंग, हिंट दे करके या सजेस्ट करके। यानी अबाइड बाई क्या हो गया, किसी डिसीजन किसी रूल किसी लॉ का पालन करना, ये हो गया। एडहियर टू क्या हो गया, किसी चीज को सपोर्ट करना, उसे फॉलो करना। अलाउ फॉर क्या होता है, किसी योजना में किसी चीज को शामिल कर लेना। आस्क आफ्टर मीन्स क्या होता है, हाल चाल लेना। और एंगल फॉर, कोई चीज आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए हिंट देना। ओके चलिए अब बच्चों देखते हैं क्या आप इसकी हिंदी समझ सकते हैं। बिल्कुल कोशिश करिए बच्चों, बहुत बढ़िया आप कर सकते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ। वी मस्ट अलाउ फॉर, अभी तो ताजा ताजा घाव है ना, तो ज्यादा पता चलेगा। तो वी मस्ट अलाउ फॉर, यानी हमें जोड़ लेना चाहिए, फॉर फूड एक्सपेंसेस टू, किस चीज को, जो भोजन पर खर्च आने हैं। तो लेट्स एड रुपीज 100 पर पर्सन, चलो 100 रुपए एक व्यक्ति पर जोड़ लेते हैं, यही ना, दिस इज अलाउ फॉर, जोड़ लेना, कैलकुलेशन में उसे भी शामिल कर लेना। नेक्स्ट, ऑल कंटेस्टेंट्स मस्ट एडहियर टू फॉलो करना, यानी सभी प्रतिभागियों को द रूल्स नियमों को क्या करना है, मानना है, उनका अनुसरण करना है, पालन करना है। नेक्स्ट है, फ्रॉम द वे ही इज स्पीकिंग, यानी जिस तरीके से वो बोल रहा है, आई सस्पेक्ट
मुझे शक हो रहा है, संदेह हो रहा है कि हरी इज एंगलिंग फॉर अ फ्री टिकट, कि वो फ्री टिकट प्राप्त करने की क्या कर रहा है, हिंट दे रहा है, कोशिश कर रहा है। माय मदर इज ऑलवेज आस्किंग आफ्टर यू, यानी मेरी माँ हमेशा आपका क्या पूछती है, हाल चाल पूछती है। और लास्ट है, इफ यू वॉन्ट टू स्टे एट दिस स्कूल, यदि आप इस स्कूल पर टिकना चाहते हैं, देर समय तक रहना चाहते हैं, यू मस्ट अवॉइड बाई द रूल्स, तो आपको उन नियमों का क्या करना होगा, पालन करना होगा। मेरी कोशिश है बच्चों, आपको पसंद आए तो जरूर दूसरे बच्चों को बताएं कि हाँ यहां पे इस तरीके की मेहनत की जाती है, रेगुलरली आपको ये चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिसका आपके एग्जाम्स में जबरदस्त फायदा होगा। बच्चों न फायदा हो मेरे से कहिएगा, लेकिन आप रेगुलर इसे क्या कर ले, आप तैयार कर ले। और ये मत कभी करिएगा कि आज आपने पढ़ा आज का आपने तैयार, ऐसा नहीं फायदा। बच्चों आपको हर हाल में चीजों को जोड़ते हुए चलना, यानी आज जो पढ़े उसके पहले वाले उसमें जोड़ दें, कल जो पढ़े आज तक के जोड़ दें, तब आप इसका फायदा ले सकते हैं। तब वो इंग्लिश जो कभी आपके लिए एक बगबियर हुआ करती थी, मीन्स एक हवा हुआ करती थी, वो बगबियर आपके लाइफ से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, ड्रेन कर जाएगा। बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट टॉपिक पे अपने, idioms and phrases, ये है बच्चों आपके पास। देख लें पहले कौन सा किसके सामने आएगा, ये भी बिल्कुल वैसे ही बच्चों, और इस तरह करेंगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। Once in a blue moon, cry over spilt milk, spill the beans, icing on the cake, और last straw। कभी आपको इसमें मुश्किल इस तरह से आए, जो आ रहा हो वो कर ले। जैसे क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा, मीन्स बीती ताहि विशारदे, आगे की सुध लो। तो लोग इसके बजाय क्या करते हैं, जो पास्ट की चीजें होती हैं उसी का रोना रोते रहते हैं। तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क क्या हो जाएगा, द फाइनल प्रॉब्लम नहीं, टू रिवील द सीक्रेट नहीं, समथिंग दैट हैपेंस नहीं, कंप्लेनिंग है ना बच्चों, कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, यानी जो पहले की कोई घटना हुई हो, जो हानि हुई हो, उसकी हमेशा शिकायत करते रहना, रोते रहना, यानी दूसरे का आपको पता है कि डी हो जाएगा। स्पिल द बीन्स आपने बहुत बार पढ़ा होगा, एक्चुअली सब दैनिक मकसद मेरा बच्चों है होल एंड सोल प्रिपरेशन, इन टोटल मैं आपकी प्रिपरेशन करा दूं कि सब चीजें आपकी तैयार है आपको, ठीक है। तो स्पिल द बीन्स मीन्स होता है रहस्य उजागर कर देना, है ना। तो क्या है, बिल्कुल ईजी, देखें बच्चों स्पिल द बीन्स का क्या हो जाएगा, टू रिवील द सीक्रेट, रहस्य उजागर कर देना। अब आपके पास थी वंस इन अ ब्लू मून, अगर याद हो, वंस इन अ ब्लू मून मीन्स यदा कदा, बहुत कम ही, रेयरली। तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका इसका, ये देखिए आपका है वंस इन अ ब्लू मून का हो जाएगा यदा कदा या बहुत कम ही, तो ये देखिए हो जाएगा दैट हैपेंस वेरी रेयरली। अब हमारे पास दो बच्चे, आइसिंग ऑन द केक और लास्ट स्ट्रॉ। आइसिंग ऑन द केक क्या होता है, सोने पर सुहागा करना, यानी कोई चीज अच्छी है उसे बेहतर बना देना, बेहतर है तो उसे बेस्ट बना देना, यही ना। तो क्या होगा बच्चों, द फाइनल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो है नहीं आपकी, तो रिवील हो गया, समथिंग हो गया, कंप्लेनिंग हो गया, यही होगा ना। आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा समथिंग दैट टर्न्स गुड इनटू ग्रेट, यानी जो अच्छी है वो और अच्छी में और बड़े में बदल जा रही, मीन सोने पर सुहागा, यानी कोई चीज अच्छी है उसको बेहतर बना देना। तो लास्ट स्ट्रा बिल्कुल इजी हो जाएगा, लास्ट स्ट्रा मीन्स होता है ये द फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी वो अंतिम वार, यानी कई सारी समस्याएं ऑलरेडी आपके सामने हैं, उन समस्याओं में जो अंतिम समस्या आपकी है वही बच्चों आपकी क्या है, लास्ट स्ट्रा, क्या है, लास्ट अंतिम समस्या, समस्याओं की कड़ी में उनकी, यानी पूरी श्रृंखला में जो अंतिम समस्या है वो आपकी लास्ट स्ट्रा है। तो वंस इन अ ब्लू मून क्या है बच्चों, बहुत कम ही, यदा कदा, कभी कभी। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क क्या है, बीते हुए का रोना, मीन्स पुरानी बातों का रोना रोना। स्पिल द बीन्स क्या हो गया, रहस्य उजागर कर देना। आइसिंग ऑन द केक क्या हो गया, सोने पर सुहागा करना, मीन्स किसी अच्छी चीज को बेहतर और बेहतर को बेस्ट बना देना। और लास्ट स्ट्रॉ क्या हो गया, यानी अंतिम समस्या, समस्याओं की सीरीज में। ओके,
और ये मैंने इनके यूसेस भी अब की बार दिए हैं बच्चों, जो मैं देखे मैं हमेशा बच्चों इंप्रूव करने की कोशिश करता हूं, और आपसे भी चाहूंगा कि आप इंप्रूव करें, ठीक है, मेहनत करें बच्चों। सफलता का एक ही मूल मंत्र है बच्चों, सफलता का एक ही मूल मंत्र है परसेवरेंस, निरंतर 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 प्रयास। आप देखेंगे छोटी छोटी चींटियां होती हैं बच्चों, बड़े बड़े पहाड़ उठा ले आती हैं, क्योंकि निरंतर वो लगी रहती हैं, सामूहिक प्रयास करती हैं बच्चों। लेकिन यहां परीक्षा में सामूहिक प्रयास करने की कोशिश न करिएगा, नहीं तो प्रयास करने लायक भी नहीं रह जाएंगे। चलिए बच्चों, तो हमने इनका प्रयोग भी आपको दिया। इंडियाज विक्ट्री ओवर इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड पर भारत की विजय, ऑन इंडियाज इंडिपेंडेंस डे, वो भी कब, भारत के स्वतंत्रता दिवस पर, वॉज लाइक आइसिंग ऑन द केक। याद हो जाएगा बच्चों इस एग्जाम्पल से, वो ऐसे था जैसे सोने पर सुहागा, यानी एक तो विजय और उस पर स्वतंत्रता दिवस के दिन, और वो भी स्वतंत्रता दिवस के दिन किस पर विजय, वो जिसने हमको गुलाम पा रखा था, बना रखा था, और जिससे हम स्वतंत्र हुए थे उसी पर हमने क्या प्राप्त कर ली, विजय प्राप्त कर ली। दिस इज सोने पर सुहागा, आइसिंग ऑन द केक। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है, ही स्पिल्ड द बीन्स, उसने रहस्य उजागर कर दिया, किस चीज के बारे में, अबाउट द सरप्राइज वेकेशन, उस सरप्राइज वेकेशन के बारे में, वी हैड प्लान्ड, जिस सरप्राइज वेकेशन का हमने क्या बनाया था, योजना बनाया था। बहुत बार ऐसा होता था बच्चों, मैं जब इलाहाबाद से घर पे आया करता था तो मैं केवल अपनी भतीजी खुशी को बता दिया करता था, बाबू किसी को बताना नहीं, मैं फला समय पे पहुंच जाऊंगा, जब मैं अचानक पहुंचूंगा लोग सरप्राइज जाएंगे, और ऐसा सरप्राइज अच्छा लगता है। लेकिन वो बच्ची जो छोटी थी, जाके लोग उस पहले मेरी वाइफ से बता देते थे, मेरी वाइफ बच्चों से बता देती थी, फिर छोटा बच्चा मेरा सारे लोगों को बता दिया करता था कि पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं। तो ही स्पिल्ड द बीन्स, वो क्या करता था बच्चों, रहस्य को उजागर कर दिया करता था। नेक्स्ट वर्ड है आपका, सेंटेंस है, ही डिसाइडेड टू बिकम मोर केयरफुल, वो और अधिक सावधान बनने का निर्णय किया उसने, बिकॉज, क्योंकि इट वॉज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्योंकि अब बीती हुई चीजों का रोना रोने का कोई फायदा नहीं था, यानी अब उसे भूल जाना बेहतर था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड कैन बी सीन विद अस, हमारा मित्र हमारे साथ देखा जा सकता है, वंस इन अ ब्लू मून, मीन्स वेरी रेयरली, अर्थात बहुत कम ही, यानी वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली। और लास्ट है बच्चों, द एक्सीडेंट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ, इन्हें जो एक्सीडेंट था वो लास्ट स्ट्रा था, यानी लास्ट स्ट्रा, इन्हें हमारी जितनी समस्याएं थी उनमें वो अंतिम समस्या थी, आई एम नाउ ऑन कंप्लीट बेड रेस्ट, और वो ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि मैं पूरी तरह से मैं बेड रेस्ट पर हूं मैं। चलिए, और ये लास्ट, बिल्कुल बच्चों ये प्रयास है मेरा बच्चों, सोचिएगा आप, ये सारी मेहनत है हमारी जो हम मेहनत करते हैं ताकि आप बच्चों का फायदा हो, पहले हम आप ही का सोचते हैं बच्चों, सब लोग अपने बारे में सोचते हैं, नहीं पहले आपका सोचते हैं, कितना हम इंप्रूव करें ताकि आपको ये चीज समझना और मेरे लिए आपको समझाना आसान हो जाए। ये बिल्कुल हमारा लास्ट है बच्चों, वर्ड पावर के रूप में, यहां भी मैंने वही सिस्टम अपनाया आपकी बात, कि आप मैच करें कि इनमें से स्पाइक का कौन सा होगा, एबीसीडी में से एटीकेट का क्या होगा, ऐसे। तो स्पाइक का क्या होगा बच्चों, याद है स्पाइक का, स्पाइक मीन्स होता है बढ़ोतरी, उछाल, तो याद है कर लेंगे, स्पाइक का क्या हो जाएगा, राइज, सही है। एटिकेट क्या होता है बच्चों, याद है आपके अंदर कुछ एटिकेट्स होने चाहिए, में कुछ शिष्टाचार होने चाहिए, तो शिष्टाचार की मीनिंग शायद आप जानते होंगे बच्चों, डिकोरम, डिकोरम मीन शिष्टाचार। रीइटरेट क्या होता है, रीइटरेट, दोहराना किसी चीज को, रिपीट मीन्स किसी चीज को रीस्टेट करना, तो रीइटरेट का क्या हो जाएगा बच्चों, रीस्टेट, दोबारा कहना। कंजेस्ट क्या होता है, बिल्कुल चोकिंग, घना, बिल्कुल सघन, जहां पे रखने की भी जगह ना हो, कंजेस्टेड होता है, तो कंजेस्ट का क्या हो जाएगा, चोक, सघन बना देना बिल्कुल। और रेस्पिरेटरी आप जानते हैं कि श्वसन संबंधी होता है, तो सीधा इसके सामने आ जाए हम, रेस्पिरेटरी, श्वसन, ठीक है बच्चों। आज से ही मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे बढ़िया टॉपिक शुरू होना है बच्चों, मीन्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक। तो आज मेरी जो ख्वाहिश है वो ये है कि आज पहले मैं आपके साथ डिस्कशन कर लूं बच्चों के साथ, कि हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट
किस चीज पर, यानी किस तरीके से आप चाहते हैं, जैसे मैं आपसे लाइव हो सकता आऊं मैं अभी 7 बजे और फिर मैं आपसे डिस्कस करूं कि हाँ इसको हमको किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। तो अगर आज हम डिस्कशन में क्लियर कर लेते हैं कि हमको कैसे करना है तो कल से ये वीडियोस आपको मिलने लगे। वैसे भी आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए आज, क्योंकि 7 पार्ट्स वर्ब कॉन्सेप्ट पर आपने पूरा प्राप्त कर लिया है। अब अगर वर्ब कॉन्सेप्ट पर 7ों वीडियो जिसमें 116 प्रकार की मैंने सेंटेंस इंप्रूवमेंट और कॉमन एरर्स और फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, तो आज आपके पास अवसर होगा, आप इसे प्रिपेयर कर लें, हल्का सा रेस्ट लें आप और अपने आप से कहें कि कल से हमें फिर से क्या होना है, तैयार होना है, ठीक है। तो 7 बजे अभी हम आपसे मिलते हैं, अगर लाइव होगा तो लाइव मिलेंगे, नहीं तो हम प्रीमियर पे आपके साथ आएंगे, जैसा कि अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। कोशिश करिए बच्चों धीरे धीरे ये चीजें आप तैयार करने की, ताकि आपको किसी प्रकार की किसी समस्या का सामना अपने एग्जाम्स में न करना पड़े। मैं जितनी भी मेहनत हो सकता है आपके साथ करने के लिए तैयार हूं, आप भी मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। आप देख रहे होंगे बच्चों का जो अभी जुड़ाव है वो कम हो रहा है, कम है तो आप इसे और अधिक बनाने की कोशिश करें। आपके सहयोग के लिए, कोऑपरेशन के लिए, सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक्स, थैंक यू।